जो पॉइंट तूने रखा ना कि सर बीच में ब्रेक मिलनी चाहिए, डेज ऑफ होने चाहिए, मेरा पता क्या मानना है, मेरा मानना क्या सच्चाई है, हर एक दिन जो है ना, हर एक डे जो है, ये बाद में 1,00,000 रुपए का पड़ेगा। तो ये तेरी लाइफ में ये एक दिन 1,00,000 रुपए से ऊपर का होगा, इट विल बी मोर देन 1,00,000 रुपीज। और तुझे ये लास्ट में आपका डेज पता चलेगा जब तू नौकरी खत्म करने वाला हो। मेरे फादर है ना, उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी 240-250 रुपए पे एज ए डॉक्टर। जब वो रिटायर हुए थे ना, उनकी सैलरी थी 1,00,000+। अगर उन्होंने 35 ईयर्स तक जॉब किया या 40 ईयर्स भी जॉब किया, तो आप सैलरी का प्रोपोर्शनल इंक्रीज देखो, ठीक है। अगर आपको 6 महीने पहले सैलरी मिल जॉब लग जाती है आपकी, आपकी आज और आपकी किसी की सैलरी महीने में 6 महीने का फर्क होता है, आपको आज मिलती है या उसको आज मिलती है, आपको 6 महीने बाद मिलती है, तो 6 महीने बाद जो होगी रिटायरमेंट भी आपकी 6 महीने जल्दी हो जाएगी, 6 months earlier, ठीक है। अगर इसी प्रोपोर्शन में आपकी स्टार्टिंग सैलरी मैं बोलता हूँ 50,000 हो, 50,000 होगी अगर आपकी सैलरी, ये रुपीज है 240 रुपीज टू 1,00,000, ठीक है। कितना हुआ 240 को अगर आप 10 times करें तो 2,000 रुपए बनते हैं खाली, ये 2,000 भी नहीं है, ये 100,000 के बराबर है। अगर उसी प्रोपोर्शन में 50,000 सैलरी हो ना, तो रुपीज का लैक बना है, रुपीज का 1,000, 1,000 का लैक, तो ये 50,000 जो है, ये 50,000 रिटायरिंग सैलरी जो होगी वो 1 crore में होगी आपकी, करोड़ में नहीं होगी तो 80,00,000 रुपए पर मंथ तो होगी होगी। आई एम टॉकिंग 30 years फ्रॉम नाउ, आज 2023 चल रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2055। जिसकी 1 महीने की सैलरी 80,00,000 रुपए होगी, 6 महीने पहले रिटायर होने का मतलब है उसने 6 crore रुपए तो यहाँ लूज कर दिए, 6 crore। ये आई एम टॉकिंग अबाउट जॉब नॉर्मल इंक्रीज, सभी की सैलरी इसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुई है, मेरे फादर की इंक्रीज इस प्रोपोर्शन में नहीं हुई, सभी की इसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती। सो 6 crore तो आपने इन कैश लूज कर दिया सैलरी, प्लस आपने पीपीएफ लूज किया, आपने अदर फंड्स यूज किए, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी अपनी लाइफ में उनका इंटरेस्ट लूज कर दिया, तो 6 crore जो है ना ये 25 crore बन जाएगा टोटल लास्ट में। 25 crore को अगर मैं 6 महीने 180 दिन से डिवाइड करूं ना, तो ये लाखों में जाएगा। इंपॉर्टेंस इसकी सिर्फ जातना ही बदलनी है, आज नहीं बदलती। आज हम बोलते हैं क्या यार एक दिन लेट भी नौकरी मिल गई तो क्या है। IAS में अगर आप 25 से नीचे हैं ना, 25 ईयर से लेस हैं, तभी आप चीफ सेक्रेटरी के लेवल तक जा सकते हैं। आपका 30 ईयर का जॉब होना चाहिए, ऑन रोल होने चाहिए आप, और आपके पास कम से कम 5 साल की जॉब बची हुई होनी चाहिए, यानी 35 साल के पास नौकरी के कम से कम और होने चाहिए। अगर आप 25 साल में लगे, 25 साल से पहले लगोगे तभी 35 बचेंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं आपके पास। सो डेज डजंट मैटर नाउ, इट मैटर्स ओनली इन लास्ट, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में लोगों को जल्दी समझ आता है। सीधे बात हम करें ना यार, ऐसा नुकसान होता है उसकी कैलकुलेशन में, हमने तो कैलकुलेट करके रखा, मैंने तो पूरी फिगर्स बना के रखी है मुझे, और ये मैंने पहली बार आज क्लास में डिस्कस किया, मैंने बड़ी बार क्लास में डिस्कस किया कि हर दिन जो है वो लाखों भारी पड़ेगा आपको। You will lose lack of rupees because of your just getting late in your getting jobs. अगर आप 21-22 साल में नौकरी करते हैं तो आपके पास ग्रोथ के चांसेस तो डबल है ही, आपके प्रमोशन के चांसेस भी डबल है। आप हो सकता है कि 80,00,000 की जगह 1.5 crore वाली नौकरी पर हो उस टाइम। जो जितना जल्दी जॉब करेगा घुसेगा उसके पास उतने ग्रोथ के लिए टाइम ज्यादा है, परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा टाइम। हम कैलकुलेट नहीं करते, हम देखते हैं यार रेस्ट कर लेते हैं, क्या है कल कर लेंगे। जिंदगी ने उतने ही इयर्स देने हैं जितने देने हैं, इज नॉट गोइंग टू गिव यू। अगर आपके आज 60 इयर्स में रिटायरमेंट है, हो सकता है कल वो 55 में ही कर दें, 5 साल और घटा दें आपके।
आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रिटायरमेंट एज. सो इम्पोर्टेंस ऑफ इयर्स जो है ना, डेज, हर दिन जो है वो इम्पोर्टेंट है. हर दिन मान के चलो कि आज मेहनत की 1,00,000 रुपया कमाया भाई, अपने बोर्ड पे लिखो कि 1,00,000 रुपया ज्यादा कर लिया अपनी लाइफ में मैंने, 1,00,000 रुपया और ऐड कर लिए, 1,00,000 रुपये ये लाखों में ऐड होंगे लास्ट में. आप आज 2023 को गिन रहे हो, आप 2060 को गिनो, 70 को गिनो, जब व्हेन यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ उस टाइम की सैलरी क्या होगी आप, और अगर उस सैलरी के 6 महीने और मिल जाए आपको तो क्या फर्क पड़ेगा जिंदगी में. पूछो जो लोग आज रिटायर होते हैं उनको 6 महीने और मिला तो उनकी सैलरी में क्या फर्क पड़ता है. गेटिंग? तो फर्क बहुत फर्क पड़ता है. मेहनत जो है ना उसका कोई काउंटर नहीं है हमारे पास. हम जो लोग हैं ना बड़े लेथार्जिक हो गए हुए हैं क्योंकि हम कंफर्टेबल लाइफ, हमें फोन करना होता है बैठे हुए टेबल से ही फोन कर लेते हैं, ठीक है, फोन उठाने की जरूरत नहीं है, वॉइस मैसेज कर देते हैं. हम गेटिंग इनटू लेथार्जिक मोड. पहले हम चलते थे फिरते थे, मसल्स हमारे ठीक रहते, आजकल स्कूटियां चलाते हैं, मसल्स कहाँ से ठीक रहे. हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिटेरियरेट हो रहा है क्योंकि हम वी आर गेटिंग इनटू अ कंफर्टेबल लेथार्जिक लाइफ. और जितने आप लिथार्जिक होते जाएंगे लाइफ उतनी लिथार्जिक करती जाएगी आपको. उसने वो एक बार आप कंफर्ट 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 में जाते जाएंगे तो कंफर्ट में चले जाएंगे. जिंदगी वहां बड़ी होती है जहां कंफर्ट छोड़े जाते हैं. बिस्तर नहीं छोड़ सकते तो मर्सिडीज नहीं आ सकती. अगर मर्सिडीज में ट्रेवल करना है तो बिस्तर पर नहीं जाना है. बेड पर रहोगे तो मर्सिडीज पर नहीं आ सकते. मर्सिडीज की कुर्सी पर वही आ सकता है जो बेड पर नहीं आता. जिंदगी में आराम जो है, जब आपको रजाई में अच्छा अच्छी गर्मी लगती है तो फिर आपको मर्सिडीज की गर्मी नहीं मिल सकती. जब तक आप अपने को अनकंफर्टेबल जोन में नहीं लाओगे, अपने को उस कंफर्टेबिलिटी के शेल से बाहर नहीं लाओगे, बड़ा काम होएगा ही नहीं. और कंफर्टेबिलिटी है ही नहीं है लाइफ में यार. इफ यू आर टुडे गेटिंग इनटू अ कंफर्टेबल जोन, टुमारो यू आर गेटिंग इनटू इट, you are creating an environment where you will get into a tough zone. आपने अपने लिए आज की ऐश जो है ना वो जिंदगी भर के लिए मुसीबत बनेगी. जिंदगी भर के लिए आपकी जो है नींद खराब हो जाएगी. अगर आज बिस्तर नहीं छोड़ोगे तो जिंदगी भर के लिए नींद नहीं होगी क्योंकि मजदूरी करनी पड़ेगी आगे. So it will be counted in years. आज की इन्वेस्टमेंट जिंदगी में. मैंने एक जगह किसी ने फ्रेज पढ़ा था, मैंने उसमें लिखा था गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, गरीब मरना आपकी गलती है. मैंने एक जगह पढ़ा उसमें लिखा था कि अगर दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा करके ना सारा अमीरों से सारा पैसा ले लिया जाए और उस पैसे को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इकोनॉमी में, अमीर फिर 6 महीने में अमीर हो जाएगा, गरीब फिर 6 महीने में गरीब हो जाएगा क्योंकि उनके एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम है. जो पैसा संभालते नहीं है उनके एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम है. उनको ज्यादा दोगे तभी वो खर्च देंगे, फिर कंगाल हो जाते हैं 6 महीने के बाद. और जो गरीब होगा वो जो मेहनती होगा उसने 6 महीने मेहनत करके फिर पैसे कमा लेने. So it's all about your style of workout. जिंदगी ने कभी टाइम नहीं देना आपको, आपको उसमें से छीनना पड़ेगा टाइम. और छीनना आपको ये मनी में समझाना पड़ा अच्छा है कि पैसे में बताना चाहिए कि भाई कैसे पैसे की इंपॉर्टेंस है. रोज का अगर 1,00,000 रुपए रोज का तो हर घंटे की मेहनत जो है वो 5,000 रुपए रफली. हर घंटा एक्स्ट्रा ऐड करने का मतलब 5,000 रुपए अपनी अपनी सैलरी में ऐड की है आपने. The earlier you will get into a job, into a earning life, the faster you will have a growth. उतना टाइम आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा जॉब के साथ उतना आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी. जितना लेट होते जाओगे उतनी उतनी वैल्यूएशन कम हो जाएगी. थैंक यू.